हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे शादी ब्याह में बनने वाली हलवाई स्टाइल चटपटी और खट्टी मीठी गुजराती वाल की सब्जी। ये वाल की सब्जी गुजरात की ऑथेंटिक रेसिपी है। गुजरात में पहले तो शादी ब्याह के फंक्शन में ये सब्जी कंपलसरी बनती थी, लेकिन अभी भी शादियों में ये सब्जी बनती है। और ये वाल की सब्जी स्वाद में बहुत ही चटपटी, खट्टी मीठी और टेस्टी लगती है। और दोस्तों, आज की बोनस टिप जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप मेरी चैनल से जुड़े हुए हैं तो लाइक करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुजराती वाल की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सफ़ेद वाले बड़े वाल, इसे रंगूनी वाल भी कहते हैं। इसे मैंने 2-3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। फिर इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम इसे ढक के 7 से 8 घंटे के लिए भीगने देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट भीगने के लिए रख दिया था। 8 घंटे हो गए हैं। ये देखिए हमारे वाल कितने अच्छे से भीग गए हैं और फूल गए हैं। इस तरह से वाल भीगने चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको वाल की सब्जी बनानी है तो आप इसमें 1 ग्लास गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे 5 से 6 घंटा तो भीगने के लिए रखना ही पड़ेगा। अब हम इसमें 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। फिर कुकर में इसे 8 से 10 सीटी लगा के बॉईल करेंगे। आप इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट और पिंच ऑफ हल्दी ऐड करके इसे बॉईल कर सकते हैं। मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया है ताकि वाल हमारे जल्दी बॉईल हो जाए। ये देखिए वाल हमारे बॉईल हो गए हैं। मैंने 10 सीटी लगाई है। इस तरह से वाल बॉईल होने चाहिए। इसमें बेकिंग सोडा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, नहीं तो वाल जल्दी गल जाएंगे और सब्जी अच्छी नहीं बनेगी। चलिए अब हम वाल की स्वादिष्ट मज़ेदार खट्टी मीठी सब्जी बनाते हैं। अब हम गैस ऑन करके पैन गरम करेंगे। यहाँ हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। फिर इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को थोड़ी देर गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो जाए फिर इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अगर आप हींग खाते हैं तो इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करें। मैंने इसमें हींग ऐड नहीं की है। अजवाइन थोड़ा सीख जाए फिर इसमें 7 से 8 कली बारीक कट किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन को थोड़ी देर सीखने देंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो जाए फिर इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। मसाला अच्छे से सीख गया है। अब हम इसमें बॉयल वाल ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसे थोड़ी देर उबलने देंगे। चलिए अब हम वाल की सब्जी की थिक करने की ग्रेवी बनाते हैं। अब हम 1 कटोरी में 1 चम्मच बेसन लेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हम कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाते हैं वैसे ही ये स्लरी बनानी है। इसे बेसन का घोल भी कहते हैं। इसे इस तरह अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना रहे। यहाँ मैंने 4 चम्मच जितना पानी ऐड किया है। बाकी बचा हुआ पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से बेसन का घोल रेडी करना है। ये बेसन की स्लरी ऐड करने से वाल की सब्जी की ग्रेवी थिक बनेगी। इसे हम बाद में ऐड करेंगे। ये देखिए वाल अच्छे से उबल गए हैं। अब हम इसमें 1/4 कप इमली का पानी, 4 क्यूब गुड़ और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। फिर सबको अच्छे से मिक्स करेंगे।
यहाँ इमली के 3-4 पीस मैंने पानी में भिगा के रख दिए थे, फिर इसे छलनी से छान लिया था। गुड़ इमली वाली वाल की सब्जी बहुत ही चटपटी और टेस्टी लगती है। अब हम इसमें जो हमने बेसन की स्लरी बनाई थी वो ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन की स्लरी अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक इसे थोड़ी देर इस तरह से चलाते रहेंगे। इसे 4 से 5 मिनट थोड़ी देर पकाएंगे। शादी ब्याह में इस तरह से हलवाई वाल की सब्जी बनाते हैं और ये स्वाद में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए हमारी ग्रेवी थिक हो गई है, मतलब वाल की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे गुजरात की ऑथेंटिक रेसिपी वाल की सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए शादियों वाली हलवाई स्टाइल गुजरात की फेमस वाल की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, चपाती, भाखरी, कुलचा, नान और दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये गुजराती वाल की सब्जी बच्चे और बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये स्वाद में बहुत चटपटी, खट्टी मीठी और टेस्टी लगती है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आप मेरी ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब मैं आपको बताऊंगी आज की बोनस टिप। गुजराती वाल की सब्जी बनाने के लिए आप इमली के पानी की जगह 2 चम्मच नींबू का रस ऐड करेंगे तो इसे भी आपकी सब्जी बहुत ही टेस्टी, चटपटी और यम्मी बनेगी। और दोस्तों मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ। स्टे सेफ एंड बी हैप्पी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।